हाय डियर फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज मैं आपके साथ एक नया डिवाइस डिस्कस करूंगी जो कि अस्थमा पेशेंट्स के लिए और एलर्जी के पेशेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है और इजी टू यूज़ है। नॉर्मली वो लोग इनहेलर्स तो यूज़ करते हैं या नेबुलाइजर यूज़ करते हैं, कभी कभी वो उनको बल्कि लगता है या डिफ़िकल्ट टू कैरी लगता है या लगता है कि हमें इसकी आदत पड़ जाएगी, जबकि ऐसा नहीं है। इनहेलर फॉर्म में दवाई देना अस्थमा के पेशेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है और हम इसको लंबे टाइम तक दवाई दे सकते हैं, क्योंकि दवाई डायरेक्टली लंग्स में जाती है यानी कि फेफड़ों में जाती है और बॉडी पे इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। तो अगर आपको कोई भी तरह की कन्फ्यूजन है, आप मेरे चैनल पे पहले भी मेरे वीडियो शेयर किए हैं हाउ टू यूज़ इनहेलर इन अस्थमा पेशेंट्स, हाउ टू यूज़ इनहेलर्स विथ स्पेसर्स और नेबुलाइजर को यूज़ करने का सही तरीका भी मैंने पहले डिस्कस किया है। आप मेरे चैनल के अंदर, मैं आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिंक दे दूंगी, आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो आज मैं आपके यहाँ डिस्कस करूंगी एक नया डिवाइस जिसको हम बोलते हैं नेबुलाइजर। ये एक तरीके का ड्राई पाउडर इनहेलर है और इसमें दवाई सूखी यानी कैप्सूल फॉर्म में होती है, यानी कि इट्स अ वेरी वेरी स्मॉल डिवाइस है, जैसे कि आप मेरे हाथ में देख सकते हैं, आराम से मेरे हाथ में फिट हो जाता है। अगर आपने इसको मुट्ठी में भी रखा है तो पता लगेगा नहीं कि आपके हाथ में ऐसा कोई डिवाइस है। कई लोगों को इनहेलर से डर लगता है कि अगर हम इनहेलर लेंगे तो हमें शायद आदत पड़ जाएगी, तो ऐसी भी अगर किसी के दिमाग में कन्फ्यूजन है तो वो इस तरीके का डिवाइस जो है यूज़ कर सकता है। स्कूल गोइंग बच्चों के लिए या कोई ट्रैवल पे जा रहा है उनके लिए भी ये डिवाइस बहुत ही आसान है, क्योंकि इसके अंदर ना तो बिजली की ज़रूरत है ना इसके अंदर किसी बैटरी की ज़रूरत है। इसको आप आराम से अपने बैग में या पर्स में डाल के ले जा सकते हैं। इस तरीके से इसकी दवाइयाँ अवेलेबल मार्केट में हैं, इनको बोलते हैं रोटा कैप्स, ठीक है। और ये कुछ देखने में कुछ कैप्सूल की तरह, जैसे नॉर्मल कैप्सूल होते हैं उस तरीके से दिखाई देते हैं, इस तरीके से। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको इसके अंदर एक सूखा वाइट कलर का पाउडर दिखाई देगा दवाई के अंदर, जो कि मेन दवाई है जो कि पेशेंट्स के लिए यूज़ होगी। तो अब मैं आपको बताऊंगी हाउ टू यूज़ इट, इसको कैसे यूज़ करना है। तो ये जो आपका नेबुलाइजर है, जो मशीन है, ये दो पार्ट में डिवाइड है। आप देख सकते हैं एक ट्रांसपेरेंट चैम्बर है जहाँ पे कि हम इस कैप्सूल को फिट करेंगे, ठीक है। और ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसको माउथ पीस कहते हैं, जिससे हम सांस लेंगे, ठीक है। तो हम इसको पहले पूरी तरीके से ओपन करते हैं, इस तरीके से ये खुल जाता है, ठीक है। और ये जो नीचे वाला पार्ट है इसमें एक मेटल का हुक होता है जो इस कैप्सूल को पंक्चर करने का काम आता है। तो मैं इस दवाई को यानी कैप्सूल को अब इसके अंदर इंसर्ट कर रही हूँ और मैं इसको अब बंद कर दूंगी। जैसे ही मैं इसको बंद करूंगी ऑटोमेटिकली वो मेटल वाला हुक इस कैप्सूल को पियर्स कर देगा और दवाई जो है पाउडर फॉर्म में इस चैम्बर के अंदर रिलीज हो जाएगी। अब मुझे माउथ पीस यानी कि इस एरिया से सांस लेनी है। तो वही तरीका जैसे हम हमेशा करते हैं, पहले हम सांस छोड़ते हैं और उसके बाद हम इसको माउथ में रख के लंबी सांस लेते हैं जब तक वो पाउडर इसमें से खत्म ना हो जाए। सांस कंप्लीट लेने के बाद हम 8 to 10 सेकेंड्स के लिए सांस को रोकेंगे, विद होल्ड करेंगे और फिर स्लोली नाक से सांस को रिलीज कर देंगे। तो मैं आपको दिखाऊंगी इसको एग्जैक्टली कैसे यूज करना है, लेट्स सी। तो फर्स्ट स्टेप से पहले मैं सांस को छोड़ूंगी, अभी माउथ पीस, ठीक है। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले दवाई कैप्सूल के अंदर फिट किया, उसके बाद इसको क्लोज किया जिससे कि दवाई पाउडर जो है इसके अंदर रिलीज हो गया ट्रांसपेरेंट चैम्बर में। फिर मैंने सांस छोड़ी, ये माउथ पीस अपने मुंह के अंदर रख के लंबा सांस लिया जब तक मैं उस दवाई को फील कर पा रही थी, पाउडर फॉर्म में दवाई मेरे मुंह में आ रही थी। और उसके बाद मैंने सांस को 8 से 10 सेकेंड के लिए होल्ड करने के बाद स्लोली अपनी नोज से रिलीज किया। तो इस तरीके से दवाई बड़ी इफेक्टिवली आराम से आपके लंग्स में यानी कि फेफड़ों तक चली जाएगी। और आपको इस इक्विपमेंट को यूज़ करना, जैसे कि आप देख रहे हैं बहुत आसान है, इसमें कोई इन्हेलर को प्रेस करने का चक्कर नहीं है, जैसे ही इन्हेलर को प्रेस करना है तुरंत सांस लेनी है ऐसा भी कोई चक्कर नहीं है। इसको बड़े बच्चे या एडल्ट्स कोई भी एज के लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और इट इज़ वेरी इजी टू कैरी। अगर आपके बच्चे को प्रॉब्लम रहती है तो आप अपने डॉक्टर से डिस्कस करिए, आप उसके स्कूल के बैग में या इवन जो ऑफिस गोवर्स हैं वो अपने बैग में डाल के इसको आराम से सेफली कहीं पे भी कैरी कर सकते हैं। इसमें कोई एरोसोल नहीं है, बिल्कुल ड्राई पाउडर फॉर्म में दवाई होती है, इट इज़ एब्सोल्युटली सेफ। दवाई लेने के बाद एक अच्छे से कुल्ला कर दीजिए या गार्गल कर दीजिए, जो दवाई थोड़ी बहुत मुंह में रह जाएगी वो भी आपकी वॉश ऑफ हो जाएगी और बाकी दवाई जो है डायरेक्टली आपके लंग्स में चली जाती है, ठीक है। तो मैं आशा करती हूँ कि मैंने आपको आज नेबुलाइजर का यूज़ करना बड़ा आसान तरीके से समझाया होगा।
अगर इस डिवाइस से रिलेटेड या दवाई को किस तरीके से लेना है उससे रिलेटेड कोई और आपको कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आशा करती हूँ कि आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं। मेरे को ऐसी सपोर्ट कीजिए और मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो तक मैं आपसे अलविदा कहती हूँ। धन्यवाद।